Hi everyone, so today we'll do systemic ophthalmology. So there are two questions which we need to do. First is xerophthalmia and second is the ocular manifestation in AIDS. So first of all, xerophthalmia. So xerophthalmia is a term which covers all the ocular manifestation in vitamin A deficiency. So it will include structural changes and the biophysical disorders of retinal rods and cone function. So it includes all the ocular manifestations, not only the structural changes. Etiology, it is due to deficiency of vitamin A. So it can be due to dietary deficiency or it can be due to defective absorption. So there are two causes we need to remember, deficiency and absorption. Then apart from it, we need to know that it's not an isolated problem that only vitamin A deficiency has occurred, but it is mostly accompanied by protein energy malnutrition and infection. So there is WHO classification of xerophthalmia, so which is as follows. So first word is always X. Then first of all it is N. N stands for night blindness. Then we have 1A and 1B. A has conjunctival xerosis and 1B has Pitot spots. So only first one had N. N ke baad we have 1, 2, 3 aur phir SF hai. So it is N, SF aur beech mein numbers. Theek hai, so we need to remember NSF aur N se beech mein numbers hai. Numbers mein we have 1, 2, 3. 1 mein AB hai, 2 mein nahi hai aur 3 mein AB hai. So like this we need to remember. So sabse pehle N for night blindness hai. Phir 1A mein conjunctival xerosis hai aur 1B mein Pitot spot hai. 2 mein corneal xerosis hai. 3 mein 3A dono mein corneal ulceration aur keratomalacia hai. 3A mein less than 1/3 surface involved hai aur 3B mein more than 1/3 surface involved hai. Then S is for scar xerophthalmia ki wajah se hua aur F is for fundus. To hume aise yaad karna hai N fir number aur SF NSF number mein 1A 1B 2 3A 3B N S aur F to matlab NSF se hi yaad ho jayenge night blindness scar aur fundus. फिर हमें कैसे यार सबसे पहले 1 में कंजक्टाइवा का आएगा तो कंजक्टाइवल जीरोसिस और बिटॉट स्पॉट जो हमें दिख रहा है. 2 में कॉर्निया आ रहा है कॉर्नियल जीरोसिस और 3 में फिर उसकी अल्सरेशन हो रही है. तो क्लिनिकल फीचर क्या है इन सभी स्टेजेस में. तो XN में नाइट ब्लाइंडनेस है तो ये अर्लीस्ट सिम्टम होता है ज़ेरोफ्थेल्मिया का. तो इसलिए हमें हम हिस्ट्री से ही पता कर सकते हैं. उसके बाद आता है कंजक्टाइवल जीरोसिस. तो कंजक्टाइवल जीरोसिस में क्या आ रहा है कि जो कंजक्टाइवा है इसमें हमें पैचेस दिखते हैं. कैसे, तीन करेक्टरिस्टिक हमें याद करनी है पैच की. ड्राई लस्टरलेस नॉन वेटेबल कंजक्टाइवा, ठीक है, विच कैन बी सीन इन दिस इमेज. सो इट इज़ ड्राई देन लस्टरलेस और नॉन वेटेबल. तो ये हमारा हो गया कंजक्टाइवल जीरोसिस में. तो इसको बोलते क्या है, इमर्जिंग लाइक सैंड बैग एट रिसीडिंग टाइड. तो जब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो रोता नहीं है, मतलब आँख से आंसू नहीं आते, तो इसलिए उसको बोलते हैं इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक्स एट रिसीडिंग टाइड. तो ये जो पैचेस है ये मोस्टली इस इंटरपल्पेब्रल एरिया में होता है. और इंटरपल्पेब्रल एरिया मोस्टली कौन सा, इस साइड वाला टेम्पोरल साइड का. तो मोस्टली टेम्पोरल साइड पे इन्वॉल्व होता है लेकिन नेजल को भी इन्वॉल्व कर लेता है. और ज़्यादा एडवांस केसेस में ये पूरी की पूरी बल्बर कंजक्टाइवा को इन्वॉल्व कर लेता है. और इसके साथ साथ और क्या दिखता है, जो कंजक्टाइवा है ये थिक हो जाती है, उसकी रिंकलिंग होती है और पिगमेंटेशन हो जाती है. तो ये हमें कंजक्टाइवल जीरोसिस में क्या क्या याद रखना है, कंजक्टाइवा कैसा दिखता है, उसको क्या बोला जाता है, मोस्टली किस साइड पे होता है और किसके साथ एसोसिएटेड होता है. फिर हम आते हैं 1B में. तो ये था 1A जिसमें कंजक्टाइवल जीरोसिस है. 1B में बिटॉट स्पॉट है. तो ये एक एक्सटेंशन है जो जीरोसिस हो रही थी स्टेज 1A में उसकी एक्सटेंशन है. तो जो बिटॉट स्पॉट है ये क्या होता है, हमारा एक रेज है, सिल्वरी वाइट कलर का है
और फोमी सा दिख रहा है और ऑलमोस्ट एक ट्राइंगुलर पैच है ऑफ केराटिनाइज्ड एपिथीलियम जो कि इंटरबल्बर एरिया में है बल्बार कंजक्टाइवा के ऊपर। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि रेस्ड है और सिल्वरी वाइट है, फोमी है और ट्राइंगुलर पैच है ऑफ केराटिनाइज्ड एपिथीलियम। ठीक है, मोस्टली ये बाइलेटरल और टेम्पोरल होता है। ठीक है, नाउ टू में क्या था, कॉर्नियल जीरोसिस। तो कॉर्निया में सेम चेंजेस होंगे जो कंजक्टाइवा में शुरू हुए थे। तो अर्लीस्ट चेंज क्या होता है, पंक्टेट केराटोपैथी, और ये लोअर नेजल क्वाड्रेंट में शुरू होता है और फिर कॉर्निया हेजी सा हो जाएगा और बहुत ही ड्राई हो जाएगा और लस्टरलेस हो जाएगा। फिर हम आते हैं 3A 3B में, इसमें कॉर्नियल अल्सरेशन या केराटोमलेशिया और है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाती है। तो पेरिफेरली स्मॉल अल्सर्स दिखते हैं जो कि सर्कुलर होते हैं, मार्जिन स्टीप होते हैं और शार्पली डिमार्केटेड होते हैं। तो जैसे कि इसमें हम ये तो है हमारा कॉर्नियल जीरोसिस और इसमें हम देख सकते हैं केराटोमलेशिया। तो ऐसे करके हमें अल्सर्स दिख रहे हैं। तो सर्क्युलर अल्सर है, स्टीप मार्जिन और डिमार्केटेड है। तो ये था स्मॉल अल्सर जो कि पेरिफेरली दिखते हैं। फिर है सेंट्रली हमें लार्ज अल्सर दिख सकते हैं अगर अप्रोप्रिएट थेरेपी इमीडिएटली शुरू कर दी जाए। तो जो डिफेक्ट है अगर 3A वाला क्लासिफिकेशन है तो वो हील कर जाएंगे, लेकिन अगर 3B में है तो वो मोस्टली ब्लाइंडनेस में रिजल्ट करता है। फिर हम आते हैं XS पे, विच इज स्कार। तो जो ये स्ट्रोमा में डिफेक्ट हो रहा था ये हील करके कॉर्नियल स्कार बना देगा। तो ये स्कार प्यूपल को कवर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये हमारा 3B है जिसमें कि मोर देन 1/3 हिस्से को कवर कर रहा है कॉर्निया का। और फिर ये हमारा स्कार है जो कि हीलिंग की वजह से आया। देन वी हैव XF जिसको बोलते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया फंडस। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सीड लाइक रेस वाइटस लीजन आ रहा है जो कि पूरे फंडस पे ऑप्टिक डिस्क के लेवल पर बिखरे हुए होते हैं, जैसे कि ये है। तो ये क्या है, ज़ेरोफ्थैल्मिया फंडस। तो हमें सारे वाइट रेस डॉट्स दिख रही है। ट्रीटमेंट क्या है, लोकल ऑक्युलर थेरेपी करेंगे, विटामिन ए की थेरेपी करेंगे और जो अंडरलाइंग जनरल डिजीज़ को ट्रीट करेंगे। लोकल थेरेपी में क्या आ रहा है कि अगर कंजक्टाइवल जीरोसिस है मतलब ड्राइंग है, तो आर्टिफिशियल टीयर्स एवरी 4 आवर्स देंगे। और अगर केराटोमलेशिया हो गया है तो हम क्या करेंगे कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की ट्रीटमेंट देंगे। विटामिन ए की थेरेपी सभी स्टेजेस में देते हैं, ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से रिपीट वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है तो हम IM इंजेक्शन देते हैं। IM इंजेक्शन ऑफ वाटर मिसेबल प्रिपरेशन। शेड्यूल क्या है कि जितने भी पेशेंट्स 1 साल से ज़्यादा की एज के हैं एक्सेप्ट वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, हम क्या देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली, या फिर अगर इंट्रामस्कुलरली दे रहे हैं तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे जैसे ही डायग्नोज होता है। और फिर हम उसी दिन दोबारा देंगे और फिर 4 हफ्तों के बाद देंगे। 1 साल से छोटे बच्चे में या फिर अगर 8 kg से कम वेट का बच्चा है तो हाफ डोज देंगे। और अगर वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज है, चाहे प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो हम क्या देंगे, हम डेली डोज देते हैं 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का फॉर 2 वीक्स। तो ये था हमारा। और अगर कॉर्नियल ज़ेरोफ्थैल्मिया हो गया तो हम फुल डोजेज शेड्यूल देते हैं। तो ये हमें 3 चीज़ें याद रखनी है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन में। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या कोई भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो रहा था उसको ट्रीट करते हैं। प्रोफाइल एक्सेस क्या है, शॉर्ट टर्म अप्रोच भी होती है और बाकी अप्रोचेस भी होती है। शॉर्ट टर्म अप्रोच में क्या होता है कि पीरियडिकली विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन दी जाए। WHO का प्लान क्या है कि जो 6 से 12 महीने के बच्चे हैं या फिर 8 kg से कम वेट के बच्चे हैं तो हर 3 से 6 महीने में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देना, और 1 साल से 6 साल के बच्चों में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हर 6 महीने में। लैक्टेटिंग मदर को एक बार डिलीवरी पे 2 लाख 20,000 इंटरनेशनल यूनिट और अगले 2 महीने तक
या अगले 2 महीने तक या फिर डिलीवरी में देना है। और उसके बाद है अगर इन्फेंट्स 6 महीने से कम है और ब्रेस्ट फेड नहीं है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देना है जब तक बिफोर दे अटेन 6 मंथ्स एज। तो ये थी हमारी मतलब जो WHO की रिकमेंडेशन है। रिवाइज शेड्यूल जो आया था उसमें क्या था कि फर्स्ट डोज 9 मंथ की एज पे देना 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सेकेंड डोज 18 मंथ्स पे देना है और थर्ड डोज 2 ईयर्स पे देना है। ये दोनों क्या है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का, और बाकी ऊपर वाला फॉलो करना है जो भी WHO का था। मीडियम टर्म अप्रोच में क्या है फूड फोर्टिफिकेशन विद वाइटामिन ए, लॉन्ग टर्म अप्रोच में क्या है कि प्रमोशन ऑफ एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाइटामिन ए रिच फूड जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पपाया एंड ड्रमस्टिक, और न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन। फिर आते हैं ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट इन एड्स। इसमें क्या है सबसे पहले तो है मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स क्या है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन या फिर इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज़ होना या फिर इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना या ट्रांसप्लेसेंटल स्प्रेड होना। तो ये हमारा मोड ऑफ स्प्रेड है। पैथोजेनेसिस वही है कि इम्यूनो डिफिशियंसी होती है। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन मेन है जो हमें करना है। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन 75% ऑफ पेशेंट्स में होता है और समटाइम्स ये प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है एड्स का। ऑक्यूलर लीजन क्या है सबसे पहले रेटाइनल माइक्रोवेस्क्यूलोपैथी। इसमें क्या हो रहा है वेज ऑफ ऑक्लूजन होती है रेटाइना में जो कि 2 कारण से हो सकती है, या तो जो वायरस है वो डायरेक्टली वेस्क्यूलर एंडोथीलियम को अफेक्ट कर रहा है या फिर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो आर्टीरियोल्स में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इससे कुछ नॉन स्पेसिफिक लीजन्स होते हैं जो कि रेटिनोपैथी करवाते हैं। तो इसमें कॉटन वूल स्पॉट्स दिखती है, सुपरफिशियल डीप हेमरेजेस दिखती है, माइक्रो एन्यूरिज्म दिखती है। फिर है यूजुअल बाकी क्या मतलब इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है वो पेशेंट, तो हर्पीस, हर्पीस जॉस्टर, हर्पीस सिम्प्लेक्स, टॉक्सोप्लास्मोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, सिफिलिस, कॉर्नियल अल्सर, फंगल कॉर्नियल अल्सर, ये सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल आई को इफेक्ट नहीं करते लेकिन क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो इनको इफेक्ट करते हैं। तो इसमें वी कैन रिमेंबर 4C, तो पहला CMV, फिर कैंडिडा, फिर क्रिप्टोकोकल और फिर कोरोडाइटिस। फिर है अनयूजुअल नियोप्लाजम्स हो सकते हैं जैसे कि कपोसिस सारकोमा या फिर बर्किट्स लिम्फोमा। फिर न्यूरो ऑफ्थेल्मिक लीजन हो सकते हैं जैसे कोई भी क्रेनियल नर्व पाल्सी हो सकती है, सेंसरी सप्लाई का लॉस हो सकता है, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। तो उसमें इन सब की मैनेजमेंट क्या है, जो भी इन्फेक्शन है उसको हम उसकी जो ट्रीटमेंट है उससे ट्रीट करेंगे। बाकी तो ये था हमारा पूरा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन इन एड्स के बारे में।